हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम रोज रोज एक ही तरीके की सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दो रेसिपी, एक अरबी तुरई की और दूसरा है सिरका प्याज। इन दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तुरई की सब्जी। गर्मियों में तुरई सभी लोग पसंद करते हैं, लाइट खाना है। आज हम ये एकदम यूनिक तरीके से बनाएंगे। यहाँ हम तुरई के साथ मिक्स करके बना रहे हैं अरबी। यहाँ पे हमने 250 ग्राम अरबी ली है और आधा किलो तुरई ली है। तो आधा किलो के लिए 250 ग्राम अरबी काफ़ी है। अब हम तुरई और अरबी दोनों को छील लेते हैं। तो इसको हम कुकर में बनाएंगे तो कुकर में भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी और जल्दी भी बन जाएगी। तो इसको इस तरीके से हम पहले कट कर लेंगे और बहुत ईजीली छिल जाती है ये। तो इसको हम छीलते जाएंगे। कभी कभी तुरई एक सी बना बना के खा के बोर हो जाते हैं, एक जैसी डिफरेंट टेस्ट आएगा इसके साथ में। अरबी के साथ अरबी भी टेस्टी लगती है इसमें और तुरई आल्सो टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से हम छील लेते हैं। तुरई और अरबी को हमने छील लिया है और दोनों को छील के धो लिया है। तुरई को हम छीलने के बाद ही धो लेंगे और इसके बाद हम इसको कट करेंगे। और अरबी को हमें कट नहीं करना है, इसके हम साबुत पीस ऐसे ही रखेंगे। कट कर देंगे तो इसका जो लोबाब जो लसलसापन है वो रिलीज हो जाएगा और वो तुरई का टेस्ट ख़राब कर देगा। तो इसलिए हम जब भी तुरई में अरबी डालेंगे तो ऐसे ही हम साबुत डालेंगे। कट करके कभी भी तुरई में अरबी नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम तुरई को कट कर लेते हैं। तो तुरई को कट करने के लिए हम इसको इस तरीके से, हम साबुत पीस नहीं बनाएंगे तो इसको हम बीच में इस तरीके से एक कट मार लेंगे। उसके बाद में ही हम इसको इस तरीके से कट करते जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से जब कट करते हैं तो तुरई अच्छे से लिपट जाती है अरबी में और बहुत ही टेस्टी बनके मसालेदार बनके तैयार होती है अरबी। क्योंकि ये पिचक जाती है, इसका जब पानी रिलीज हो जाता है तो ये पिचक के थोड़ी सी रह जाती है। तो अरबी इस तरीके से अगर आप एक बार बनाएंगे अरबी तुरई की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। हमारे यहाँ तो हफ्ते में एक बार तो बन ही जाती है इस तरीके से, क्योंकि अरबी भी बहुत टेस्टी लगती है और तुरई का भी टेस्ट बढ़ जाता है। जब दो सब्जियां हम एक साथ मिल के बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है फ्रेंड्स। तुरई अरबी को हम कुकर में बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, तो इसमें हम डाल देते हैं तेल। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही तेल लिया है, ऑयल गर्म हो गया है। तो इसमें हम एक प्याज को चॉप कर लिया है, तो इसमें प्याज डाल देते हैं। इसको हम चला देंगे। इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो गया है और गैस के फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम स्लो फ्लेम पे कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून तीखी लाल मिर्च, 1 स्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम मसाले को भून लेंगे। तो 30 सेकेंड में हमारा ये मसाला भून के तैयार हो जाएगा। मसाला भुन गया फ्रेंड्स, तो अब इसमें तुरई ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखिए जिससे कि मसाला हमारा जलेगा नहीं। और साथ में टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 स्पून रेगुलर नमक ऐड करेंगे। तो इसको चला देंगे, इससे तुरई जल्दी से पानी छोड़ देगी तो मसाला हमारा जलेगा नहीं। जो तुरई की स्मेल है उसको हम इस तरीके से भून के निकाल देंगे। तो अभी हम इसको खुले खुले ही कुक करेंगे। तुरई थोड़ी सी मुलायम हो गई है और अपना पानी भी छोड़ दिया तुरई ने। तो अब इसमें अरबी ऐड कर देंगे। तो इसको भी हम तुरई के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। तुरई का पानी हम जला देंगे। तो इसमें हमें आमचूर पाउडर या खटाई कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। आजकल सीजन है अरबी का, तुरई का, तो आप एक बार इस तरीके से बनाइए। तुरई का पानी हमने जला दिया है और तुरई की स्मेल जो है वो भी निकल गई है। अब इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। आपको जितना पतला या गाढ़ा जैसा रखना है उस हिसाब से रखिए, कर लीजिए पानी कम ज़्यादा, पर हम यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से चला देंगे। सारी अरबी हम पानी में डिप कर देंगे जिससे कि अरबी एकदम से गल जाए अच्छे से, क्योंकि अरबी जब गली हुई होगी तभी इसका टेस्ट उभर के आएगा। तो फ्रेंड्स अब इसको कवर कर देते हैं, इसकी लीड लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर 2 से 3 प्रेशर लेंगे जिससे कि अरबी गल जाए तब इसका टेस्ट आएगा। तो हम लेंगे 3 प्रेशर, 1 फुल फ्लेम पे और 2 स्लो फ्लेम पे। उसके बाद हम नेचुरल तरीके से
प्रेशर को रिलीज होने देंगे जिससे कि अच्छे से अरबी गल जाए। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अरबी तुरई के साथ में आज हम विनेगर वाला प्याज शेयर कर रहे हैं सलाद। यहाँ पे हमने दो प्याज लिए हैं, तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। वैसे तो मेरे यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस प्याज को विनेगर के साथ, तो सोचा क्यों ना आज हम आपके साथ शेयर करें। तो आप भी जब कभी हरी सब्जी बनाइए तो उसके साथ इस तरीके से प्याज बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आता है सभी को, तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से हम प्याज को कट कर लेंगे। हाँ, इसको हमें पानी में नहीं डालना है, इसको सिर्फ हम पहले ही वॉश कर लेंगे, धो लेंगे पहले, कट करने के बाद इसको हम नहीं धोएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 कली ली हैं लहसुन की, इसको हम क्रश कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्रश कर लिया इसको, तो इस तरीके से हम चम्मच से निकाल के इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे, अब इसमें डालेंगे विनेगर। ये मार्केट में इजली मिल जाता है, ये गन्ने का है, देसी विनेगर है ये। तो हमने इसमें गन्ने वाला सिरका डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून कुटा हुआ तीखा लाल मिर्च। तो इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये गर्मियों में फ़ायदा बहुत करता है फ्रेंड्स, इसको आप बना के रख लेंगे तो ये आपका 2 दिन चल भी जाएगा, और जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है ये, क्योंकि विनेगर का खट्टापन एक तरीके से ये प्याज का पिकल ही बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप सलाद बनाइए गर्मियों में, गर्मियों में सिरका फ़ायदा भी बहुत करता है। तो जब भी आप डिनर या लंच बना रहे हो तो उसमें आप ये बना के रख लीजिए 1-2 घंटे पहले। इस तरीके से ये सलाद तैयार हो जाएगा आपका गर्मियों के लिए। तो एक बार इस तरीके से हमारे तरीके से बना के देखिए, ट्राई कीजिए। आप इस विनेगर की जगह पे आप एप्पल विनेगर भी यूज कर सकते हैं। इसमें प्रेशर रिलीज हो गया है, तो हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो अरबी को भी हम चेक कर लेते हैं, तो उसको इस तरीके से हम दबा के देख लेंगे, अरबी प्रॉपर गली हुई है। अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स, तुरई की सब्जी हमने सर्व कर ली है और साथ में हमने सलाद भी तैयार कर लिया है प्याज और विनेगर का। तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।